हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेम्पटिंग दिखने वाला ये पनीर, और इसे हम बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के, एकदम सात्विक तरीके से। वीडियो को एंड तक देखिए, रेसिपी को एंड तक देखिए, होपफुली आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आइए पनीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने 200 ग्राम फ्रेश पनीर, ये बिल्कुल घर का बना हुआ पनीर है, और मैंने इसे इस तरीके से पीसेज में कट कर लिया है। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच से कम नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च वो भी आधा चम्मच से कम, धनिया पाउडर ये भी 1/4 स्पून, और थोड़ा सा गरम मसाला। नमक डालने से पनीर सॉफ्ट रहता है। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कसूरी मेथी, और इसके साथ ही डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब इसे बहुत ही हल्के हाथों से हमें मिक्स कर देना है, जिससे जो हमने सारे सूखे मसाले डाले हैं वो पनीर में अच्छे से कोट हो जाएं। तो कुछ इस तरीके से मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ ये पनीर टूट जाएगा। तो ये मसाले अच्छे से पनीर पर लग गया है, और इसे रखेंगे हम साइड में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम ग्रेवी के लिए रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने बादाम, काजू और अखरोट को पानी में भिगो कर रखा था 15 मिनट पहले। आप गर्म पानी में भिगो देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा, और इसे ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो गया है, और इस पेस्ट को आप बहुत सारी रेसिपीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने पैन, और पैन में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच ऑयल। अभी हमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, और जो पनीर के पीसेस हमने मैरिनेट किए थे उसे इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेंगे चारों साइड से। क्योंकि हमने मैरिनेट किया है पनीर को और इसमें नमक भी ऐड किया है, ये फ्राई करने के बाद भी उतने ही सॉफ्ट रहेंगे। इस तरीके से चारों साइड से अलटते पलटते हुए हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें इस प्रोसेस में। और एक पनीर के ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी, तब तक हमें इसे शैलो फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं ये लेयर सी बन गई है, और अब हम निकाल देंगे पनीर को साइड में किसी बोल में। अब हम ले लेंगे एक और बोल, इसमें ऐड करेंगे फ्रेश दही। यहाँ मैंने 3 बड़ा चम्मच दही ले लिया है। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसे अच्छे से हम इस तरीके से फेंट लेंगे जिसमें इसमें एक भी लम्प्स ना रहें। और जो हमने पेस्ट बनाया है उसमें से ये पेस्ट टोटल 3 बड़ा चम्मच है, तो पूरा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। आप क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ये पेस्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, हल्दी 1 बड़ा चम्मच, धनिया आधा चम्मच, गरम मसाला, हल्दी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, और आधा चम्मच डाल देंगे कश्मीरी मिर्च। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच शुगर, और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एक पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सेम पैन में हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, यानी कि 2 बड़ा चम्मच, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने डाल दिया है तेजपत्ता, ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा। तो इसे अच्छे से फ्राई हो जाने देंगे, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो। और ये पूरा प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर करना है, क्योंकि ये जो पेस्ट है वो काफ़ी क्रीमी है,
इसे हमें अच्छे से कुक करना है लो फ्लेम पर। तो इसे इस तरीके से रेगुलर मिक्स करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी है, जबकि हमने इसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं ऐड किया है। और कुछ देर तक हम इसे ढक कर पकाएंगे, तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ऑयल बिल्कुल गायब हो गया है इसमें। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कम लग रहा था। और अब इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पनीर मैरिनेट करके जो पनीर शैलो फ्राई किया था, वो पनीर इसमें ऐड कर देंगे। और हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इसे इस तरीके से ढक कर पकाएंगे, बीच बीच में मिक्स करते हुए इसे ढक कर पकाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये कुक होगा ये साइड से ऑयल रिलीज़ कर देगा, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है, हमने इसमें काजू भी डाला है, बादाम, अखरोट, तो ड्राई फ्रूट्स का भी एक अपना ऑयल होता है, तो वो भी रिलीज़ होगा। और ये रेडी हो गया है हमारा पनीर बिना लहसुन प्याज का। आप इसे फास्ट में भी बना सकते हैं, जो मसाले आप खाते हैं जो नहीं खाते हैं उन्हें स्किप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और टैम्पटिंग रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिए, आपके फेवरेट राइस चपाती के साथ एंजॉय करिए। तो ये थी आज की इजी रेसिपी पनीर की। तो मिलते हैं कुछ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड एंजॉय। और ऊपर से डालेंगे हम इसमें धनिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।